तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे और एकदम मस्ती में चिल कर रहे होंगे। और देखो, जो मैंने थंबनेल में माल मटेरियल चिपकाया है ना, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि 1% भी मैंने क्लिकबेट नहीं किया है, क्योंकि इस वीडियो में काफी ज्यादा माल मटेरियल होने वाला है इस कागुया की फोटो की तरह ही। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और जो डिटेल्स मैंने फाइंड आउट करी है वो काफी ज्यादा रियल लग रही है, मुझे है ही रियल लग रही है कि क्या बात है। तो इसीलिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई काफ़ी ज़्यादा खुशी हो गई है, 9K सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो 10K करवा दो यार, बस 1K। और तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाकरा फ्रूट के बारे में, और चाकरा फ्रूट के बारे में कुछ फैक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और ये भी पता लगाएंगे कि किस किसने चाकरा फ्रूट खाया है और इसी का क्या हुआ था। तो अब इंट्रो लगेगा। भाई इंट्रो ही नहीं है यार मेरे पास। अगर आप में से किसी को इंट्रो बनाना आता है तो जाओ और इंस्टाग्राम पर DM करके मेरे को दे दो, लेकिन अभी के लिए फीलिंग सैड विद 69 अदर्स। तो अगर मैं आपको कहूँ कि जो हमारी कागुया उत्सुत्सुकी ने चाकरा फ्रूट खाया था तो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं था, क्योंकि अगर वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता तो कागुया एक अलग ही गॉड बन जाती। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा ईसीजी है वो पूरी तरीके से टेंटिल्स के पेट में गया ही नहीं था। ईसीजी का काइंड ऑफ आधा हाथ आधा पैर ये सभी खाया था हमारे टेंटिल बीस्ट ने। यकीन नहीं आता तो ये इमेज देख लो। ये इमेज तब का है जब हमारा ईसीजी ऑलमोस्ट मर ही गया था, लेकिन वो रेंगते रेंगते जा रहा था हमारे जिगेन के पास, और तब काफी ज्यादा खतरनाक चीज हुई थी। काफी ज्यादा लोगों को लगता है कि हमारे ईसीजी ने जिगेन को कारमा दिया था, लेकिन ये बात काफी ज्यादा झूठ है। तो अगर आपको पता ना हो तो जो हमारा उत्सुत्सुकी ईसीजी है उसने जिगेन को कारमा नहीं दिया था, क्योंकि उसके पास इतनी ताकत ही नहीं बची थी कि वो जिगेन को कारमा दे पाए। पहले तो उसने खुद को अपनी डोजुत्सु सुकोना हिकोना या फिर जो भी उसका नाम है, पर उसकी एबिलिटी का नाम तो सुकोना हिकोना है, उसकी हेल्प से उसने पहले तो खुद को छोटा करा, और छोटा करने के बाद वो घुस गया हमारे जिगेन की ईयर के अंदर। ओके, नॉट एनी अदर थिंग, ईयर के अंदर। ईयर मीन्स कान। अभी भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को कुछ और ही सुनाई दे रहा होगा, लेकिन मैं मेंशन कर दूँ ये वाला बॉडी पार्ट मैं कह रहा हूँ। तो हाँ, जब हमारा ईसी की उसके कान के अंदर घुस गया था तो वो उसकी बॉडी के मेन ब्रेन के अंदर था, और वहाँ पर उसने उसकी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स वगैरह अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिए, और धीरे धीरे करके उसने जिगेन की बॉडी पर कंट्रोल कर लिया। क्योंकि कार्मा मिलने के बाद तो मतलब जो यूज़र होता है उसका खुद की बॉडी पे कंट्रोल होता है जब तक कार्मा पूरा 100% नहीं हो जाता, लेकिन जिगेन के साथ ऐसा हुआ था। इसी वजह से हमारा ईसी की उसकी बॉडी पे कंट्रोल कर पा रहा था, कोई और रीज़न नहीं था। लेकिन इतनी बड़ी महागाथा मैंने इसलिए आपको बताई क्योंकि जो हमारी कागुया ने चाकरा फ्रूट खाया था वो एकदम 100% प्योर नहीं था, क्योंकि उसमें जो उत्सुत्सुकी एज अ सेक्रीफाइस जो खिलाया गया था हमारे टेंटिल बीस्ट को, वो पूरा सेक्रीफाइस हुआ ही नहीं। तो इसी वजह से जो हमारी कागुया उत्सुत्सुकी उसकी पावर इतनी फुल अफ नहीं हो पाई। तो हाँ, ये तो था हमारे कागुया और जिगेन का मामला, लेकिन अब बात करते हैं कि जो चाकरा फ्रूट है उसे कितने बंदों ने खाया है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि उसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बंदों ने, या फिर कहे तो 5 बंदों ने कंज्यूम किया है, आपको यकीन नहीं होता। मेरे पास एक छोटा सा प्रूफ है जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। कागुया की इस वाली पिक को देखो, नहीं ये दूसरे एनिमी की है, कागुया उत्सुत्सुकी की ये वाली पिक को देखो। डैम भाई, एडिटर ये क्या क्या भर रखा है भाई, तुरंत तेरे मोबाइल के अंदर ये सब डिलीट मार दियो, मैं पहले ही बता रहा हूँ, और ये इमेजेस भी कट कर दियो। तो हाँ, हमारी कागुया उत्सुत्सुकी की ये वाली पिक देखो, इसमें हमारी कागुया ने अभी तक चाकरा फ्रूट नहीं खाया है। तो इस पिक के अंदर आपको कुछ अलग सा दिख रहा है हमारी कागुया के अंदर? हाँ, एक चीज़ तो दिख रही होगी कि उसके माथे पर रहने शारिंगन नहीं है, लेकिन एक और चीज़ है जो आपने अभी तक नोटिस नहीं करी, वो है इसके हॉर्न्स। जब हमारी कागुया ने चाकरा फ्रूट नहीं खाया था तब इसके हॉर्न्स नहीं थे, लेकिन देखो जब इसने चाकरा फ्रूट खा लिया इसके माथे पे 2 बड़े बड़े सींग निकल के आ गए, और एक प्यारा सा डोजुत्सु भी जो उसके माथे के बीच में है। सेम चीज हमारे मोमोसे की सेनपाई के साथ भी है, यानी कि उसने भी एक चाकरा फ्रूट खाया है। लेकिन 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 अगर हम बात करें जिगेन की, तो उसने शायद एक से ज्यादा चाकरा फ्रूट खाए हो, या फिर एक उसने भी खाया हो, क्योंकि उसका जो हॉर्न है ना वो काइंड ऑफ थोड़ा अलग सा है और थोड़ा मजबूत सा है। और किन्सिकी के पास भी एक छोटा सा हॉर्न है, यानी कि उसने भी एक ना एक पीस तो खाया ही है चाकरा फ्रूट का। तो अगर मैं आपको कहूँ कि जो हमारा किन्सिकी है उसको चाकरा फ्रूट खिलाया गया है, या फिर कहीं तो दान में दे दिया गया था, क्योंकि वो हमारे मोमोसी की सनपाए, या फिर कहीं तो मोमो टिक्की का एक सर्वेंट है, या फिर कहीं तो नौकर है, या फिर कहीं तो तो हाँ, हमारी किन्सिकी ने भी खाया है। और ये क्या नाम है इसका, उराशिकी का, मुझे पूरा कन्फर्म है नहीं कि इसने चाकरा फ्रूट ठूसा है या नहीं ठूसा है, लेकिन जिन बंदों को मैंने अभी तक नाम बताया है उन्होंने तो जरूर ठूसा है। और अगर कोई यूज़र एक के बाद दूसरा चाकरा फ्रूट खा ले तो उसका जो हॉर्न होता है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि अगर आपको याद हो जब हमारा मोमोशी की सेनपाई, या फिर कहे तो मोमो टिक्की,
किंसिकी का चक्र फ्रूट बना के उसे कंज्यूम करता है तो उसके जो माथे के हॉर्न थे वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो इससे हमें एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जो चक्र फ्रूट है उसका हॉर्न से भी काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन है। और एक बात, अगर किसी गॉड लेवल उत्सुत्सु की, जैसे कि हमारा ईशी की उत्सुत्सु की या फिर कहीं तो मोमोशी की सेनपाई, इनमें से किसी एक को कंज्यूम कराया जाए हमारे टेंटल बीस्ट को, और इनकी पूरी बॉडी, छोटा सा भी मतलब हिस्सा नहीं बचना चाहिए, अगर इनकी पूरी बॉडी को कंज्यूम करा दिया जाए टेंटल बीस्ट को, और उसके बाद जो चक्र फ्रूट बनेगा उसे अगर कोई भी बंदा खा लेता है ना, तो उस एक चक्र फ्रूट की पावर में मतलब 2 से 3 चक्र फ्रूट तो आराम से होंगे ही होंगे। क्योंकि जब हमारा इसी की उच्च की आधे से ज़्यादा या फिर कहीं तो थोड़ा बहुत ही कंज्यूम हुआ था टेंटल बीस्ट को, और उसका जो चक्र फ्रूट बना था वो हमारी कागुया ने खाया था, तब भाई कागुया एक अलग ही गॉडेस बन गई थी। तो अगर हमारा ईशी की पूरा कंज्यूम हो जाता बाय चांस और उसका जो चक्र फ्रूट बनता वो हमारी कागुया खाती तो क्या होता यार, सोचो एक बार, सोच के देखो, कमेंट करके बताओ क्या होता। तो ये तो था हमारे चक्र फ्रूट की मिस्ट्री। अब जाते हैं थोड़ा ऑफ टॉपिक और बाकी और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में एक क्वेश्चन बना हुआ है कब से, काफ़ी ज़्यादा दिनों से, और वो क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा है कि जो हमारी टीम 7 है उसमें कौन किसका रोल निभा रहा है। तो थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद और थोड़ा बहुत दिमाग लगाने के बाद मैं एक कंक्लूजन पे आया हूँ। लेकिन उससे पहले आप एक काम करो, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि टीम 7 के अंदर आपको क्या लगता है कि कौन सा कैरेक्टर कौन सा रोल निभा रहा है। तो देखो, जो मुझे लगता है वो हमारी जो शारदा उचिया है वो है साकुरा। नॉट यूजलेस, शी इज़ नॉट यूजलेस, मतलब साकुरा है वो, मतलब साकुरा जैसा रोल निभा रही है वो, क्योंकि साकुरा जैसी नहीं है वो, साकुरा से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है वो, बिकॉज सी इज़ नॉट यूजलेस, सी ऑलवेज हेल्प बोरुटो इन मिशंस। और अगर हम बात करें हमारी टीम 7 के सबसे गोरे चिट्टे मेंबर यानी कि दीपक कलाल, आई मीन मित्सुकी की, यार भाई क्या करो स्क्रिप्ट राइटर, तुम्हारा क्या क्या देखते रहते हो तुम लोग पूरे दिन भर। जिराया सेंसी के काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट मेरे पास ही आके पल रहे हैं, पता नहीं क्या करूँ मैं। तो अगर हम बात करें हमारे मित्सुकी की, तो वो रोल प्ले कर रहा है हमारे साई यामानाका का। नाउ मैनी पीपल से साई यामानाका कैसे हो गया, उसके पास तो कोई एबिलिटी भी नहीं है, तो गूगल पे जाके सर्च कर लो साई सरनेम, और अगर आप सर्च करके आए हो तो कमेंट करके बता भी देना उधर क्या नाम था, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है, तो अभी के लिए साई ही कहते हैं। तो जो हमारा साई है वो है हमारा मित्सुकी। लेकिन अब आते हैं मेन कैरेक्टर्स, हमारा बोरुटो और कावाकी। तो जो रिसर्च का मैंने बोला था वो सारी रिसर्च इन्हीं दो कैरेक्टर के पीछे लगी थी। तो जो हमारा कावाकी है वो वैसे तो है सास्के लेकिन बनना चाहता है नरूटो, और वहीं पे जो हमारा बोरुटो है वो है नरूटो लेकिन बनना चाह रहा है सास्के। और शायद टाइम स्किप आते आते ये दोनों अपना गोल पूरा भी कर ले, क्योंकि आपको पता ही है जो वैली वाला फाइट हुआ था, हमारा बोरुटो टाइम स्किप में भी वैसा ही कुछ होने वाला है। एक मिनट, ये आवाज़ किसकी थी? ये तो ब्लैक बियर्ड की आवाज़ है, लेकिन मैं तो बोरुटो यूनिवर्स में रह रहा हूँ, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? तो ओके गाइस, मुझे जाना पड़ेगा यार, कि यहाँ पे कैसे आ गया, इसके बारे में मुझे थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी और आपको बताना पड़ेगा। तो ओके गाइस, वीडियो ख़त्म हो गया है। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ और @_otaku7 पे मुझे जाके फॉलो कर लो, क्योंकि मैंने अपने दोस्त से शर्त लगाई है कि मैं फरवरी के एंड तक या फिर कहे तो फरवरी के मिड तक 1000 फॉलोवर कर लूँगा। अभी 750 के अराउंड है, तो जल्दी जाके कर लो यार फॉलो प्लीज़। और हाँ, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपके लिए एक फेवर, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं 2 दिन में एक वीडियो 10 मिनट की डालूं या फिर रोज़ मतलब ये 3-4-5 मिनट की वीडियो डालूं, आप मुझे कमेंट करके बताना। तो ओके, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।